नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं कि आधार कार्ड डाउनलोड कैसे करते हैं सिर्फ 2 मिनट में। तो चलिए मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउजर खोलना है, उसमें सर्च करना है आधार। आधार सर्च करने के बाद कुछ ऐसा आपको दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा, आपको डाउनलोड आधार पर क्लिक करना है। तो एक ऐसा खुलेगा, तो यहाँ पे भी आपको जब नीचे आएंगे तो डाउनलोड आधार का ऑप्शन आएगा, उस पर अभी आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 3 ऑप्शन दिया हुआ है, एक आधार नंबर, एक एनरोलमेंट आईडी और वर्चुअल आईडी। तो मेरे पास नया आधार कार्ड बना हुआ है, तो मैं ये आपको एनरोलमेंट आईडी करके दिखाऊंगा। तो ये हुआ, जैसे कि आप आधार कार्ड बनाए गए होंगे तो आपको ऐसा दिया होगा। यहाँ पे देखेंगे कि एक एनरोलमेंट नंबर है, उसको यहाँ पे सबसे पहले टाइप करना है, यानी कि यहाँ पे डालना है। इसके बाद डेट देना है। सबसे पहले आपको ईयर देना होगा, यानी कि 2022, इसके बाद 10, 17। इसके बाद यहाँ पे टाइमिंग भी डालना है, जैसे कि 15, 58 और 52 है। इसके बाद यहाँ पे आपको ये कैप्चा कोड भरना होगा देख देख के, तो यहाँ पे भर दीजिए। इसके बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करना होगा। जब आप यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, उसको देख के इसमें भरना होगा। इसके बाद आपको वेरीफाई एंड डाउनलोड पे क्लिक करना होगा। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि कंग्रेचुलेसन, यानी कह रहा है कि आपका जो आधार कार्ड है वो डाउनलोड हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे, खोलेंगे तो आपको यहाँ पे एक पासवर्ड मांगेगा। तो पासवर्ड आपको देना है आपका अपना नाम का 4 डिजिट, यानी कि कैपिटल लेटर में, और इसके बाद आपका जो डेट ऑफ ईयर है वो आपको देना होगा। इसके बाद आपको ओपन फाइल पे क्लिक करना है। जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो आधार कार्ड है वो सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुका है और सक्सेसफुली खुल चुका है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और कुछ सीखने को मिला होगा। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए।